as a creature do. I guess I gotta be a person. तो अभी हमने यहाँ से टैक्सी कर ली है और अब हम जाएंगे यहाँ से नैनीताल। हमने बात कर ली अंकल से दो दिन के लिए, आज के लिए और कल के लिए। अभी हम कितना बजा यहाँ पे, अभी हमारा टाइम बज गया यहाँ पे 5:30 और कल हमारी शाम की 8 बजे की ट्रेन है। तो अभी से लेकर कल तक के ड्रॉप की मैंने पूरी बात की है और अभी हम चलते हैं नैनीताल। सबसे पहले हम करेंगे ब्रेकफास्ट, तो चलो सबसे पहले आपको ब्रेकफास्ट की सीन दिखा दूँ। ब्रेकफास्ट ले रुके हैं यहाँ पे। आपका ये लोकेशन कौन सी है? ये अभी नैनीताल से 15 किलोमीटर पहले, नैनीताल से 15 किलोमीटर पहले अभी हम रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे नैनीताल के लिए। देन फोटो वीडियो बनाता हूं, ऑटो ऑटो इसको कह रहा है, ऑटो ऑटो वीडियो। हां मैं यूं खड़ा हूं, देख रहा हूं मेरे पीछे खड़े और फिर भी इन्होंने मेरे को ये नहीं बताया। भाई पता अब वो आ गया, वो आगे क्या रहा, वही साइड हो मैं यूं खड़ा हूं, ये यूं बैठा हूं। ठीक है, ऑटो ऑटो मुंह से भी बोला नहीं बोला, कह रहा कह रहा बीड़ी फेंक दी अभी है, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मैं बता देता हूँ कार्ड बाद में, पता ही नहीं है ट्रेन पर फिर भी मतलब नरेश भाई जिस तरह से बोला ना, चलिए बिल्कुल इनोसेंट की भाई साहब, अगर ये बच्चे होते ना पक्का पकड़ लेता भाई साहब, बच्चे को किडनैप कर लिया तुमने। मैं रखो वही, इनका कोई अलग ही हिसाब लगता है भाई, हमें लड़की पसंद है। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट में सिर्फ चाय और आपका ये पकोड़े एंजॉय कर रहे हैं, आप भी एंजॉय करो। अभी हमारा ब्रेकफास्ट तो हो चुका है और अब भी यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो गई है। ब्रेकफास्ट ओके ओके था, चाय ओके थी, पकोड़ा ओके था, बस अब आगे आगे पराठे खाइए। अभी नैनीताल के लेक के सामने हूँ और नज़ारा बहुत प्यारा है और साथ में हल्की हल्की बारिश हो रही है। अभी बारिश लग रहा है कि बहुत हैवी रेन होने वाला और सीरियसली मौसम बहुत बढ़िया है। और काठ गोदाम से लेकर यहाँ तक आने का जो रास्ता है बाय रोड, बहुत ही प्यारा रास्ता है, मतलब आपको उस रास्ते से प्यार हो जाएगा। बादल रोड पे है, कभी कभार बारिश हो रही है, कभी कभार सूखा है, बट बहुत ही प्लेजेंट वेदर हो रखा है। और व्यू तो खैर आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है। सो
अभी हमने होटल में चेक इन कर लिया है और अभी हम अपने रूम में जा रहे हैं। और ये होटल ठीक लग रहा है ऐसे देखने में, अभी बुरा नहीं है। और हमारी जो कॉस्ट है 2500 पर रूम की कॉस्ट है, 2500 में जिसमें हम चार लोग रह रहे हैं, और ठीक है 2500 प्लस 1600 जिसमें हम चार लोग रह रहे हैं यहाँ पे। और रूम भी दिखाते हैं कितना सही है, रूम अच्छा है, बड़ा है और चार लोगों के रहने लायक भी है। और चलो रूम भी हमारा अब आ गया आपके सामने। भाई लाइट ऑन कर देना। और ये हमारा रूम है, रूम की वीडियो बना बना रहे हैं। ये डबल बेड, अपर बर्थ लोअर बर्थ, हाँ ट्रेन की तरह सेकंड एसी। एंड दिस इज अ मेन बेडरूम। और ये हमारे हसन भाई। एंड वी एंड भाई टुनाइट। और ये मैं, ये भी दिखाओ भाई। और ये हमारा वॉशरूम है, सिंपल प्लेन। और ये हमारे चपचला वाले रूम में घुसे जा रहा था वहां कोई लेडीज थी तुम गलत रूम में घुसते हो भाई साहब। चलो वैसे रूम अच्छा है ना, मेरे बोला कि इधर ट्रांसफर है। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करने जाएंगे, फिर मैं आपको ब्रेकफास्ट से मिलता हूं। सो अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ। देन ब्रेकफास्ट करने के बाद हम साइट सीइंग के लिए निकलेंगे नैनीताल पे। और अभी बारिश तो वैसे रुक गई है, आप ये देख सकते हो, तो बारिश तो रुक गई है फिलहाल। और अभी 9:30 बज चुके हैं और ब्रेकफास्ट करके फिर हम सीधा नैनीताल जाएंगे, नैनीताल साइट सीइंग करने जाएंगे। देन आपको फिर मैं आगे का टूर करवाता हूँ। ये क्या पूरी सही में, ये क्या है भाजी आपका, ये मैक्रोनी सैंडविच, ये सबके लिए मतलब एक 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 ही बार में खा लिया। चलो सही है कोई ना। ये कौन सा पराठा, आलू पराठा, कढ़ाई पराठे और पूरी। तो बेसिकली अभी हम लोगों ने अपने लिए पराठे पूरी सैंडविच और अभी बता दूंगी आपको। सो बेसिकली अभी हम लोगों ने अपने लिए पराठे पूरी ऑर्डर किया है ताकि थोड़ा ट्राई करें, जिसका टेस्ट बढ़िया होगा दोबारा हम वही रिपीट कर लेंगे। कैसा टेस्ट है भाई, सही में? तो अच्छा तुम बताओ, अबे खा रहे तो दो सब ट्राई करके बताओ। सब कुछ तो क्या, सब कुछ ट्राई करेंगे बट एक ही खा रहे हैं। सब कुछ ट्राई करो फिर, ओह ये करिए ना लड़की।